फैक्ट नंबर वन, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मुंबई की शाहीना अतरवाला ने, जिन्होंने सड़कों पर सोने से लेकर मुंबई के एक आलिशान अपार्टमेंट में रहने तक का सफर बड़ी कठिन परिस्थितियों में पूरा किया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली शाहीना के पास कंप्यूटर कोर्स तक करने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को पैसे उधार लेने के लिए कहा ताकि वो एक कंप्यूटर कोर्स कर सकें। और यही नहीं, अपना कंप्यूटर खरीदने के लिए उन्होंने दोपहर का खाना तक छोड़ दिया और पैदल घर से जाने लगी। और जो पैसे बचते थे उससे उन्होंने एक कंप्यूटर लिया और उसके बाद शाहीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज वो दुनिया की टॉप कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में एक डिजाइन लीडर बन गई है। गाइज, शाहीना ने ये बता दिया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों क्या आपने कभी फायरप्रूफ स्वेटर के बारे में सुना है? नहीं ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। निक टिकबल नाम के एक शख्स ने इस्तेमाल की गई फायरप्रूफ जैकेट और बुलेटप्रूफ जैकेट का फिर से इस्तेमाल करते हुए फायरप्रूफ स्वेटर्स और क्लोथ्स बनाए हैं। निक हर साल लगभग 500 टन से ज्यादा वेस्टेज क्लोथ्स को रीयूज करते हैं और इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट से रिसाइकलिंग चीजों को प्रमोट भी करते हैं। और यही नहीं, निक टिकबल ने यह भी संदेश दिया है कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए भी अपनी जरूरत की चीजें बना सकते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, गाइस क्या आपको पता है कि मोदी, सोनिया, शाहरुख और अमिताभ इंडिया के एक ही गांव में रहते हैं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। बेंगलोर के पास एक अनोखा सा गांव है जिसका नाम है बहादुरपुर, जहां हाकी पिकी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इस गांव की खास बात यह है कि पहले यहां पर लोग अपने बच्चों के नाम फलों, नहरों, नदियों के नाम पर रखते थे, लेकिन अब यहां पर ट्रेंड के हिसाब से लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए। जैसे कि किसी का नाम है गूगल तो किसी का नाम है ओबामा, किसी ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की पहचान दे दी है तो कोई माइक्रोसॉफ्ट कहलवाना पसंद करता है। वैसे यहां पर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सोनिया गांधी के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी रहते हैं। फैक्ट नंबर फोर, एलोन मस्क की टेस्ला कार का इंतजार भारत में लंबे समय से हो रहा है, लेकिन इंडिया में चार रईस लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ला की लॉन्चिंग का वेट नहीं किया बल्कि इस कार को इंपोर्ट करवा के घर पे ही मंगवा लिया। उनमें से सबसे पहला नाम है एसआर ग्रुप के प्रशांत रुइया का, जिन्होंने 2017 में ही टेस्ला कार खरीद ली थी। इसके बाद नाम आता है इंडिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी का, जिनके पास टेस्ला की एक नहीं बल्कि दो कार है। तीसरा नाम है एक्टर रितेश देशमुख का, जिन्होंने ये कार खरीदी नहीं है बल्कि इन्हें ये कार उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने गिफ्ट की थी। और चौथा नाम है एक्ट्रेस पूजा बत्रा का। फैक्ट नंबर फाइव, साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ दो ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को ये लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पे केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। गाइज, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइज, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।